ढोकला जब तक खूब जालीदार और स्पंजी ना हो तब तक खाने में अच्छा नहीं लगता। तो बाजार जैसा एकदम हलवाई स्टाइल में ढोकला की रेसिपी हम लेकर आए हैं, जो कि एक गुजराती व्यंजन है। ये नाश्ते के रूप में खाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बिना ज़्यादा तेल मसाले के, और बहुत ही हेल्दी फूड है। तो चलते हैं किचन में। यहाँ पे मैंने लिया है बारीक बेसन, एकदम बारीक वाला, जो एकदम से पाउडर जैसा होता है। तो उसे मैंने 2 कप लिया है और इसे छान लेंगे एक छन्नी में, ताकि इसमें जो थोड़ा सा गुठली जैसा हो गया है ये भी फूट जाए, और अगर बेसन में कुछ इम्प्योरिटी है तो वो भी निकल जाए। तो 2 कप हम लेंगे, 1 कप में लगभग 100 ग्राम आता है, तो 2 कप यानी 200 ग्राम हमने लिया है बेसन, चने का बेसन है, और इसे चने के साथ चने का ही बेसन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बेसन को हमने छान लिया है, और अब हम जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से हम 1 कप दही लेंगे। तो हमारा ये घर का दही है और ये हल्का सा खट्टा है, और इसे अब हम चाहे तो विस्कर की सहायता से भी फेंट सकते हैं, और मिक्सी में डाल के हमने ब्लेंड कर लिया है। तो अच्छे से यहाँ छाछ जैसा ये बन गया है, और जितना हमने दही लिया था उतना ही मैंने मिक्सी में डाल के पानी ले लिया है, ताकि उसमें जो दही लगा है वो भी निकल आया जाए। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे दही के साथ और इस तरह से मिलाएंगे। एक बार में नहीं डालना है और अच्छे से मिलाना है, ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना पड़े। एकदम सॉफ्ट इस तरह से हमें मिला लेना है। अच्छा, बेसन अगर गाढ़ा लगे तो हम थोड़ा सा आधा कप हम और पानी ऐड करेंगे, और इसे 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से मिलाना है, और मिलाते समय विस्कर को एक ही डायरेक्शन में हम चलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से फिट गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ताकि ये एक चम्मच डाल के निकालें तो उसे कोट कर ले। अब 10 मिनट के लिए बेसन को रेस्ट करने देते हैं, और यहाँ पे मैंने डाला है आधा लीटर कढ़ाई में पानी। अब पानी को गर्म होने देते हैं और ये बेसन को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच गार्लिक जिंजर पेस्ट डाला है, एक चुटकी हींग डाला है मैंने, और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो अवॉइड कर दें, और स्वाद के अनुसार एक छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है। इन सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेना है, ताकि ये मिक्स हो जाए। तो इसे थोड़ी देर फेटेंगे 1 मिनट, ताकि इसमें जो भी सामग्री हमने मिलाया है बहुत ही अच्छे से वो मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, बर्तन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, या फिर आप थाली में भी कर सकते हैं, इडली स्टैंड में भी कर सकते हैं, और इसमें हम तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस बैटर में भी 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल है आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वही, चाहे आप रिफाइंड ऑयल डालें या जो है अन्य कोई। तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 सैसे इनो। तो जितने कप हम बेसन लेंगे उतना हमें इनो डालना रहेगा। तो इसे भी अच्छे से मिला लेना है। आप चाहो तो इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, 1/4 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और इसे अच्छे से मिला लेना है। एक ही दिशा में मिलाना है और आराम से, ताकि पूरे बेसन में इनो मिक्स हो जाए। तो अब हमारा ये बेसन एकदम रेडी हो गया है। इसके बाद हम इस बैटर को जो ग्रीस किया हुआ बर्तन है उसमें डाल देंगे।
तो आप चाहे तो थाली में भी कर सकते हैं, या फिर जो इडली वाला बर्तन होता, कढ़ाई होती है, उसमें भी बना सकते हैं। और इस तरह से अगर कोई कंटेनर या टिफिन है, कुछ भी है, या फिर केक मोल्ड है, उसमें भी कर सकते हैं। तो इसे अब तेज आंच में हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है, और बीच में बिल्कुल भी नहीं खोलना है। और 20 मिनट के बाद इस तरह से हमारा ढोकला एकदम रेडी हो जाएगा। लेकिन एक बार इसे चेक कर लेते हैं, तो ये लगभग तैयार है। इसे ढक देंगे और 5 मिनट और इसे पकने देते हैं। और इसके बाद हम गैस को बंद करेंगे और ढोकला उसी में अंदर रहेगा, तुरंत बाहर नहीं निकालना है। यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 चम्मच तेल। तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली, रिफाइंड या सरसों का। तो गैस में हम तेल गरम होने को रखते हैं। तेल जब गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों के दाने। जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। और इसे भी ब्राउन होने देते हैं अच्छे से। एक चुटकी हम हींग डालेंगे, और आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। इसके बाद डालेंगे बीच से कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छे से पकने देंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ताकि इस तरह से हमारी हरी मिर्च भी पक गई है। अब इसके ऊपर डालेंगे 15 से 20 तड़के में करी पत्ता, और इसे भी पकने देते हैं। आंच को धीमी रखेंगे, वरना तड़का जल जाएगा, क्योंकि तेल के छिट्टे बाहर आते हैं तो फिर जलने लगता है। ऐसे थोड़ी देर और पका लेते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ मैंने 1 चाय के कप के बराबर पानी डाला है। और इसे पानी को उबलने देते हैं। अब हम 1 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे, और बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर नमक। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। एक उबाल आ जाए तब तक हमें पकने देना है। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा ढोकला ठंडा भी हो गया है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। और जब भी ढोकला रेडी हो जाता है ना, साइड से बर्तन छोड़ने लगता है। तो ये देखिए, ठंडा होने पर इस तरह से ये छोड़ दिया है। अब इसे एक ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इस तरह से पलट कर निकाल लेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सॉफ्ट एकदम बना हुआ है, जालीदार निकल भी आया। इस तरह से दबाने से देखिए दब रहा है। इसे वापस से दूसरे बड़े प्लेट में रखेंगे। इसके बाद इसमें कट लगा लेते हैं। अच्छा, अगर आप गोल कंटेनर की बजाय चौकोर कंटेनर में रखेंगे तो पीसेस बहुत अच्छी कट के आती हैं। तो ये देखिए, एकदम आसान सी रेसिपी है। अब इसके ऊपर हमें तड़का डालना है। तो देखिए कितना जालीदार है, एकदम पूरा छेदी छेद है इसमें, एकदम जाली, बहुत ही एकदम स्पॉन्जी बना हुआ है।
अब हम ये तड़का वाला पानी इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से डालना है ताकि नीचे तक ये पानी चला जाए। इसे सारे पानी को हमें ढोकले में डाल देना और ये इतना स्पंजी और जूसी बनेगा, पूरा पानी ये सोख लेगा। उसके बाद हम बारीक कटी हुई धनिया ऊपर से डालेंगे। और थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालेंगे। अच्छा ताज़ा नारियल हो तो उसे भी आप ग्रेट करके डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, और बिना नारियल डाले भी ये अच्छा होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई रेसिपी का वीडियो जो भी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। है ना एकदम आसान जालीदार ढोकला बनाना, तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई रेसिपी।